लखनऊ के जवाहर भवन में अपनी प्रमुख लंबित मांगों को लेकर खाद्य और रसद विभाग के मार्केटिंग इंस्पेक्टरों व एरिया इंस्पेक्टरों ने आयुक्त खाद्य और रसद विभाग उत्तर प्रदेश के मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे, जिससे कामकाज प्रभावित रहा। वहीं प्रदर्शन के दौरान यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेणु शर्मा ने बताया कि उनकी प्रमुख मांग यही है कि पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर में मार्केटिंग को शामिल किया जाए। इसके अलावा धान खरीदने में जांच करने का अधिकार, वेतन विसंगति सहित कई ऐसी मांगे हैं जो काफी समय से विचाराधीन हैं, उसे जल्द से जल्द पूरी की जाए। बता दें कि इससे पहले भी ये लोग सामूहिक तौर पर प्रदर्शन कर चुके हैं, मगर अभी तक विभागीय प्रशासन ने किसी प्रकार का अमल नहीं किया है, जिसके चलते एक बार फिर संगठन ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है और अनिश्चितकालीन घेराव के साथ प्रदेश व्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है। ये हमारी जो आज मांगे हैं, चार मांगे हमारी मुख्य रूप से है। पहला एक पीडीएस कंट्रोल ऑर्डर जो 2016 में जारी हुआ था, हमारे मार्केटिंग के जितने भी हैं एरिया मार्केटिंग ऑफिसर और मार्केटिंग इंस्पेक्टर, हमारी मांग है कि उस कंट्रोल ऑर्डर में शामिल किया जाए। दूसरा जो हमारा मांग है वो सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर को लेकर के है। हम करोड़ों करोड़ों रुपये का धान खरीद करके राइस मिलों को देते हैं और हमें उनके मिल में जाने तक का अधिकृत कोई आदेश नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई हमारे पास अथॉरिटी नहीं है। भारत सरकार का भी गाइडलाइन है कि सरकार जो है सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर जारी करे, हम उसकी भी मांग की है और उसमें मार्केटिंग इंस्पेक्टर तक के लिए जो है उसमें इंफोर्समेंट ऑफिसर बनाया जाए। हमारी चौथी मांगे जो है, जो भी हमारी गुणवत्ता की मांगे हैं, चाहे वो बेटर रिव्यू का है, वेतन विसंगति का है और भी हमारे जिसके लगभग शासन स्तर पर जो सहमति बन चुकी है, तीन बार हमको चार बार लिखित रूप में मिल चुका है कि हम इसमें सहमत हैं, उन आदेशों को जारी किया जाए, चाहे वो एरिया मार्केटिंग ऑफिसर को अधिकृत कर दर्जा दिया जाए। और उसके अलावा जो चौथी महत्वपूर्ण मांग है कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। इवन हमारी महिलाएं चाहे क्रय केंद्र हो चाहे गोदाम पे हैं, एक टॉयलेट तक की व्यवस्था नहीं है, उसके अभाव में पानी तक देखी नहीं है महिलाएं। और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे वो हमारे स्टाफ के पास हो, चाहे हमारे कंप्यूटर के संबंध में हो, कुछ भी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ प्रोवाइड नहीं किया गया, जबकि वहीं पे हमारे दूसरे विंग को सारी सुविधाएं ये दे रहे हैं। हमारी मांग है कि जो चारों मांगे हैं हमारे वो अभिलंब किया जाए।